सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति। इसका एक सूत्र हमने पढ़ लिया था, षष्ठी शेषे। ये षष्ठी विभक्ति का कहाँ प्रयोग होता है, आज हम आगे सूत्र कर रहे हैं इसके। तो पहला है हमारा षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी कहाँ होती है, हेतु प्रयोगे। जहाँ हेतु का प्रयोग हो वहां पर षष्ठी होती है। डेफिनेशन से समझते हैं, हेतु शब्द प्रयोगे, हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योते षष्ठी स्यात्। यहाँ पे सप्तमी हमारी, हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु, हेतु द्योते। जहां पर हेतु लक्षित हो रहा हो, हेतु अर्थात कारण लक्षित हो रहा हो, वहां पर षष्ठी व्यक्ति होती है। हेतु शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए और हेतु लक्षित भी होना चाहिए, वहां पर षष्ठी होती है। उदाहरण देखते हैं इसका, अनश्य हेतोर बस्ती। अन्न के हेतु बसता है, अन्न के हेतु रहता है, अन्न के कारण वो रहता है। तो यहाँ पे हेतु शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए। हो गया, इस वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग है और जो हेतु को दर्शा रहा है किसके कारण वो रह रहा है, अन्न के कारण वो रह रहा है। हेतु द्योतित भी हो और हेतु, हेतु शब्द का प्रयोग भी हो और हेतु द्योतित भी हो, तो वहां पर षष्ठी होती है। किसमें होती है, जो हेतु है हमारा उसमें षष्ठी होती है। हेतु हमारा अन्न है इसलिए यहाँ पर षष्ठी हुई। और विशेषण विशेष्य भाव जो होता है सामान्याधिकरण है कि समान, समान होते हैं विशेषण और विशेष्य, इस कारण अन्न का हेतु, इसलिए अन्न में षष्ठी हुई है। तो हेतु शब्द में भी षष्ठी हो गई है, हेतु हो। अब केवल हेतु यदि दर्शाया जाता है तो वहां पर तृतीय और पंचमी होती है। केवल हेतु दर्शाया जाता है, जैसे हमने उदाहरण किया था दंडेन घटः, घट के लिए दंड, भी घट बनाना है तो दंड आवश्यक है, दंड से घट बनता है। तो यहाँ पे घट का हेतु दंड, ये पता चला था हमें दंडेन में क्या है, तृतीय विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे हेतु शब्द नहीं दिया गया। अगर हेतु शब्द यहाँ दे देते तो दंडस्य हेतु और घट होता, ठीक है। कि जहां पर हेतु शब्द दे दिया जाए और वो हेतु क्या है, एक्चुअल हेतु क्या है उसमें, तो वहां षष्ठी होती है जब हेतु शब्द हो। जब हेतु शब्द नहीं है वहां तृतीय होगी, पंचमी में हो जाती है। और जहां हेतु शब्द भी दे दिया जाए वाक्य में, वहां षष्ठी होती है, अनश्य हेतु और वसति। अगला है हमारा सर्वनामनस्य तृतीय च। सर्वनामनः तृतीय च, सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सर्वनामनः, सर्वनाम हो और हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु द्योत्ये और हेतु द्योतित हो रहा हो, तृतीय स्यात्, वहां पर तृतीय विभक्ति हो। कहां पर हो, जब हेतु शब्द दिया गया हो और हेतु का जो मूल कारण जो है, हेतु लक्षित जहां हो रहा है हेतु शब्द, और दूसरा क्या है, जहां हेतु लक्षित हो रहा है और वो कैसा हो, सर्वनाम हो, तो वहां पे तृतीय होती है। और इस चय का मतलब है षष्ठी चय, और षष्ठी भी हो क्योंकि षष्ठी का तो हमारा प्रकरण ही चल रहा है। तो सर्वनाम शब्द होना चाहिए, हेतु साथ में लगा हुआ होना चाहिए, तो वहां पर तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, केन हेतुना वसति कस्य हेतोः वसति, संधि होने पर वर्ण सम्मेलन करते हैं तो ये रहता है केन हेतुना। हेतु शब्द है और सर्वनाम है, हेतु शब्द है और सर्वनाम है। यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो और साथ में सर्वनाम हो तो वहां पे तृतीय और षष्ठी होती है। यहाँ पे तृतीय हुई, यहाँ पर षष्ठी हुई, वही विशेषण विशेष्य भाव, ये यहाँ पर तृतीय है तो हेतु में भी तृतीय, यहाँ षष्ठी है तो हेतु में भी षष्ठी। अर्थात जहाँ सर्वनाम हो वहां और हेतु शब्द का प्रयोग हो वहां पर षष्ठी और तृतीय। जब केवल हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु द्योतित किया गया तब षष्ठी होती है, हेतु शब्द का प्रयोग हो और साथ में हेतुवाची सर्वनाम हो तो वहां पर षष्ठी और तृतीय होती है। अगला हमारा वार्तिक है, निमित पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। ये कह रहा है निमित पर्याय प्रयोगे, निमित और पर्याय, उसके पर्यायवाची, निमित शब्द हो या उसके पर्यायवाची कारण है प्रयोजन है, इनके प्रयोग में सर्वासाम हमेशा ही सब जगह, अर्थात
जहाँ पे सर्वनाम है वहां पर भी, और जहाँ सर्वनाम नहीं है उससे भिन्न है वहां पर भी। सर्वाशाम हर जगह, प्रायः दर्शनम दर्शन होते हैं, प्रायः अक्सर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रायः का क्या अर्थ है वो है असर्वनाम के लिए। सर्वनामनः यहाँ पे प्रायः का अर्थ है असर्वनामनः, जहाँ सर्वनाम ना हो वहां पर भी दर्शन होते हैं। निमित प्रायः, और कैसे दर्शन होते हैं ये वार्ती कभी हमें समझाएगा। निमित्त पर्याय प्रयोग, निमित्त और इसके पर्यायवाचक के प्रयोग में हमेशा ही हमने क्या करना है, सर्वाशाम हर जगह, हर जगह का मतलब कि सभी विभक्तियों में वो प्रयोग होगा हमारा। अब यहाँ क्या था, केवल तृतीय और षष्ठी, यहाँ षष्ठी, और ये कह रहा है कि सभी में प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण से समझ लेते हैं, किम निमित्तम, निमित्तम किम निमित्तम, या प्रयोजनम करें तो प्रयोजनम, केन निमितेन, या प्रयोजनेन, कस्मै निमिताय, कस्मात् निमितात्, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते। सभी विभक्तियों में यदि निमित्त का प्रयोग है या निमित्त के पर्यायवाची का, जैसे प्रयोजनम प्रयोजनेन प्रयोजनाय प्रयोजनात् प्रयोजनस्य प्रयोजने, यहाँ पर भी जो सर्वनाम है उसमें भी वही विभक्ति, और साथ में निमित्त या इसके पर्यायवाची जो है उसमें भी वही विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले वाला सूत्र क्या कह रहा था, जब सर्वनाम दिया गया होता है, हेतु शब्द दिया गया होता है, तब तृतीय और षष्ठी होती है। अब ये कह रहा है कि यदि निमित्त शब्द का प्रयोग है या निमित्त से के पर्यायवाची किसी शब्द का प्रयोग है तो उसके साथ जो सर्वनाम हो तब भी और ना हो तब भी, तब क्या होता है सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है दोनों में ही, क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव है। अब जो पर्याय की बात होती हो रही थी वो थी असर्वनामना, जब सर्वनाम नहीं है तो प्रायः दर्शनम का मतलब है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नहीं होती। यहाँ पर पर्याय का मतलब है पर्याय ग्रहणान असर्वनामना प्रथमा द्वितीय हो न स्तः, वहां पर प्रथमा और द्वितीय नहीं होती, उनको छोड़ के बाकी सारी होती है। जैसे निमित्त शब्द और हेतुवाची शब्द होना चाहिए, जो सर्वनाम है हमारा हेतुवाची सर्वनाम होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण हमारा हेतु का चल रहा है, हेतुवाची सर्वनाम। अब किम क्या है, हेतुवाची सर्वनाम है कह, जो हमारा कह कौन किम क्या, तो हेतुवाची सर्वनाम निमित हो या इसके पर्यायवाची कोई शब्द हो और हेतुवाची सर्वनाम हो तब सभी विभक्तियों में प्रयोग होता है। लेकिन जब सर्वनाम ना हो तो प्रथमा और द्वितीय नहीं होती है, जैसे ज्ञाने ज्ञाने निमितेन, अब निमित का प्रयोग तो है लेकिन सर्वनाम का नहीं है, हरि सेव्यः, ज्ञान के निमित्त ज्ञान हरि सेवनीय है, ज्ञानाय निमित्ताय ज्ञानात् निमित्तात् ज्ञानस्य निमित्तस्य ज्ञाने निमित्ते। अब देखिए जब हेतुवाची सर्वनाम ना हो, इसके अलावा कोई शब्द होता है, तो प्रथमा और द्वितीय नहीं होती, तृतीय से लेके सप्तमी होती है, आगे निमित्त या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने पर। और जब हेतुवाची सर्वनाम का प्रयोग होता है तब सभी विभक्तियां लगती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग हो और साथ में हेतु द्योतित हो रहा हो
तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है जिस जो हेतु है उसमें, और हेतु है उसमें होती है तो हेतु शब्द जो हमारा है विशेषण विशेष्य भाव के कारण वहां पर भी षष्ठी हो जाती है। फिर है सर्वनामनस तृतीय च, जहाँ पे सर्वनाम हो कैसा हेतुवाचिक सर्वनाम हो और हेतु शब्द दिया गया हो वहां पे तृतीय होती है और षष्ठी भी होती है। फिर आगे है निमित्त शब्द हो या इसके पर्यायवाची प्रयोजन कारण आदि कोई शब्द हो और वहाँ हेतुवाची सर्वनाम हो तो वहां पर सभी विभक्तियां लगती है। प्राय का मतलब है यहाँ पर असर्वनाम, जहाँ पे सर्वनाम नहीं होता, निमित्त आदि का प्रयोग तो है लेकिन उसके साथ हेतुवाची सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, किसी और शब्द का प्रयोग है तो वहाँ पे प्रथमा और द्वितीया नहीं होती, बाकी सभी विभक्तियां होती है। तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।